Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is our fourth lecture of chapter number 1, Nutrition in Plant. Students, open the book page number 4. We will discuss here remaining chapter. We have already learned about some activities in our previous lecture. Today we will discuss here some other activity. First of all, we will explain Do you know paragraph given in your book page number 4. Everyone open the book page number 4 and look at this paragraph, do you know? Lungs of the earth. यानी कि फॉरेस्ट को क्या कहा जा रहा है? लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. यानी कि फॉरेस्ट बहुत बड़ी मिकदात में क्या कर रहे होते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जिस तरह आपको पता है लंग्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा होता है, रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहा होता है, ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा होता है. इसी तरह जो होते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. इसीलिए इनको फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. यानी कि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है. लेकिन हर साल तकरीबन 28 मिलियन एकड़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है, इनको क्यों खत्म किया जा रहा है, इसके मुख्तलिफ पर्पस है. यानी कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वहां से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है. द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द डीफॉरेस्टेशन. यानी कि डीफॉरेस्टेशन क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट. यानी कि जब फॉरेस्ट को काटा जा रहा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीफॉरेस्टेशन कहा जाता है. यानी कि लोगों ने अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए जो है एक फॉरेस्ट जो जगहों पे मौजूद है, मुख्तलिफ जगह से इनकी कटिंग की जा रही है और ये प्रोसेस कहलाता है डीफॉरेस्टेशन. और जब ये कट जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, तो आपको पता है कि हमें फिर इस तरह ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी. जो हमें फ्रेश एयर मिल रही है वो भी हमें कम होती जा रही है. और ये क्या ग्लोबल वार्मिंग का भी सबब बन रही है ना. यानी कि जो है बहुत ज्यादा जो गर्मी आप महसूस कर रहे होते हैं आजकल, वो भी यही वजह है कि प्लांट्स की तादाद जो है वो कम से कम होती जा रही है. लुक एट द एक्टिविटी नंबर 4 given in your book, page number 4. Open the book page number 4 and look this activity number 4. अब ये जो activity आपको given है page number 4 पे, activity number 4 इसमें क्या बताया है कि डू यू नो वेयर आर स्टोमेटा मोस्टली फाउंड. यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या कि स्टोमेटा मोस्टली कहां पर मौजूद होते हैं.
यानी कि ये एक्टिविटी हमें ये प्रूफ करना है कि हमें क्या पता है कि स्टोमेटा कहाँ होता है। अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टोमेटा की डायग्राम भी बताई थी और ये बताया भी था कि ये कहाँ होते हैं। ये आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहाँ बताए थे, कहाँ होते हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, अपर पे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं स्टोमेटा, ये होल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ये जो स्टोमेटा की डायग्राम आपको बना के बताई थी वो किस तरह थे, ये किडनी शेप जो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और इसके बीच में जो होल होता है ये वाला, इसको कहा गया था स्टोमेटा और सिंगल इसको क्या कहते हैं स्टोमा कहा जाता है, ठीक है। इसकी बात हो रही है कि जो होल्स होते हैं लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मालूम नहीं है कि ऊपर है या नीचे है। इसको प्रूफ करने के लिए जो है ये एक्टिविटी की गई है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया कि अब इसमें दो तरीके इसके पॉटेड प्लांट्स लिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, इस एक्टिविटी को करने के लिए दो तरह के पॉटेड प्लांट लिए। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यानी कि टू टाइप्स के पॉटेड प्लांट ले लिए। ये तो ये सॉइल के अंदर है ना, ये रूट से नजर तो नहीं आएंगे बाहर से, लेकिन इसे समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रही हूँ। यानी कि पॉटेड प्लांट ही है जिसमें के लीव्स मौजूद हैं। ठीक है, एक और भी हमने एक प्लांट लिया, ये इस तरीके से हमें दो टाइप्स के जो है वो पॉटेड प्लांट लेने हैं। ये एक्टिविटी आप वैसे घर पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए लैब्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऐसे दिए हैं एक्टिविटी जिसके लिए लैब नेसेसरी है, लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये दो तरीके से आपने पॉटेड प्लांट ले लिए। और आपने क्या लेनी है, वैसलीन लेनी है, वैसलीन, वैसलीन जो आप लगाते भी हैं अपने हैंड या लेग्स वगैरह पे, ये वैसलीन ले लेनी है। और इसमें क्या करना है, कोई भी एक प्लांट पहले लिया, उसकी लीफ के ऊपर की सरफेस पर आपने ये कोटिंग कर दी वैसलीन की। यानी कि क्या किया, यानी कि सपोज कि अगर ये आपने फोर लीव्स ली है तो इसके ऊपर आपने क्या कर दी, वैसलीन लेकर इसकी कोटिंग कर दी। यानी कि यहाँ पे आपने लगा दिया, यहाँ पे लगा दी वैसलीन को, इस हिस्से पे लगा दी आपने वैसलीन, इस हिस्से पे लगा दी आपने, यानी कि अपर सरफेस है, ठीक है। आपने अपर सरफेस लीफ की क्या थी, अपर सरफेस, लीफ की अपर सरफेस पे आपने ये जो है वो वैसलीन को लगा दिया। यानी कि फोर की फोर लीव्स कौन से थे, अपर सरफेस पे लगा दिया।
इसके बाद आपने क्या करा कि एक दूसरा जो पॉटेड प्लांट है इसके क्या है, इसके बैक साइड पे यानी कि क्या है लीफ की नीचे की जो सरफेस है इस पे आपने जो है यानी कि पूरे नीचे की जो सरफेस होगी इस पे आपने जो है वो क्या है वैसलीन लगा देनी है, यानी कि क्या करना है कहाँ पे लगानी है लोअर सरफेस पर। ठीक है, इसके लीफ के लोअर सरफेस पे आपने फोर लीव्स ली, इसके लोअर सरफेस पे वैसलीन लगाई और उसकी क्या करा था उसकी अपर सरफेस पर आपने वैसलीन को लगा दिया था। अब आपने क्या करना है कि इसको ऑब्जर्व करना है, आपने जब ये ऑब्जर्व करेंगे और इसको क्या करना है इन दोनों प्लांट्स को लगाने के बाद कोटिंग करने के बाद सनलाइट में रख दें। ठीक है, एक काम आपने ये भी करना है कि आपने ये वैसलीन तो लगा दी है और इन दोनों प्लांट्स को आपने क्या करना है सनलाइट में रख देना है ताकि सन की रोशनी इन दोनों लीव्स पर, दोनों तरह के लीव्स पर भी और प्लांट्स पर भी पहुंच सके। ठीक है, ये सनलाइट है जो कि इन लीव्स पर पड़ रही है, इन दोनों प्लांट्स पे पड़ रही है। इसके बाद आपने क्या करा एक वीक तक इसकी ऑब्जर्व करना है, आपने देखते रहना है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ। आप देखेंगे कि लीफ की लोअर सरफेस पर यानी कि क्या थी कि जब आप यहाँ देखेंगे लोअर सरफेस पर और ऊपर अपर सरफेस पर क्या इसमें चेंजेस हुई, तो आप ये देखेंगे कि अगर ये ऊपर वाली सरफेस पर, अगर ये लीफ के अपर वाली सरफेस पर जिस पे के वैसलीन लगी हुई थी वो क्या थे, ये लीफ बिल्कुल आपको वैसे ही नजर आए एक वीक के बाद भी, यानी कि एक वीक के बाद भी देखा तो लीफ जो थे जिनके अपर सरफेस पर वैसलीन थी वो लीफ जो है वो बिल्कुल वैसे ही नजर आए, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुई। और जिन लीफ की लोअर सरफेस यानी कि ये लीफ की लोअर सरफेस पे आपने जो वैसलीन लगा दी थी वो क्या हुए कि आफ्टर वन वीक जो थे वो क्या हुए ड्राई हो गए, यानी कि खत्म हो गए, मुरझा गए। ठीक है, एक तरह से ड्राई होने लगे ये वाले जिनकी लोअर सरफेस पर लगी हुई थी वैसलीन। एक्चुअली होता क्या है कि क्यों हुआ इस तरीके से कि अपर वाली सरफेस पे जो लीफ पे वैसलीन थी वो तो फ्रेश रहे, क्योंकि इनके लोअर, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद है, ये प्रूफ कर रहे हैं, और ये जो होल्स थे वो खुले हुए थे। यानी कि आपको पता है कि आप किसी भी चीज पे जैसे आप अपने हैंड पे भी अगर वैसलीन बहुत ज्यादा आप लगा लें इस पे तो आपको थोड़ी देर में गर्मी का एहसास हो रहा होता है। ठीक है, आपको क्यों, क्योंकि आपको पता है आपकी स्किन पे भी पोर्स मौजूद होते हैं जिससे कि आपका स्वेट पसीना जो है वो बाहर आ रहा होता है, आपको कूलिंग का एहसास हो रहा होता है जब हवा लगती है। तो अब इसमें क्या, अगर आप इसको वैसलीन से पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें से पोर्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे और वो अंदर से जो है स्वेट आपका पसीना बाहर नहीं आ सकेगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे भी कि इन लीफ की लोअर सरफेस है जो होती है होल्स होते हैं जो कि गैसेस को जो है अंदर आ रही है या बाहर जा रही है उनकी सरफेस पे, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाली सरफेस पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पोर्स मौजूद नहीं है, ज्यादातर ये जो है नीचे वाली पे है तो वहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, तो ये लीफ बिल्कुल फ्रेश हमें नजर आएंगे, ये वाली सरफेस पे फ्रेश लीफ हमें नजर आएंगे। लेकिन अगर लोअर सरफेस पे ही आप वैसलीन लगा दी आपने, यानी कि आपने ब्लॉक कर दिया उन होल्स को, पूरे ब्लॉक हो गए होल्स उन वैसलीन की वजह से, एयर जो हो रही होती है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, आपने वेंटिलेशन बे को रोक दिया नीचे से, तो क्या होगा कि अंदर जब जा ही नहीं रही तो फिर क्या होगी, ये जो लीव्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, वो सूखने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, ये पर जो एक्टिविटी थी कि दिस एक्टिविटी प्रूव दैट स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि आपने प्रूव कर लिया कि क्या कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लोअर सरफेस पर लीफ की मौजूद होते हैं। नाउ मूविंग ऑनवर्ड द टॉपिक हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन कर दिया था, आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हीट्रो मीन्स डिफरेंट, हीट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉपिक मीन्स फूड, यानी ये ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इनको क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो फूड लेता है वो क्या कहलाता है, हीटरोट्रॉप्स। और ये जो पूरा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद आ जाते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट मोड्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो फूड ले रहे हैं, ये कितने मेथड होते हैं, तकरीबन 4 मेथड से, डिफरेंट मेथड से अपनी फूड लेते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नाउ फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेन द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी फूड जो कि खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करता है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं और वहां से फूड लेते हैं। यानी कि कोई भी एक प्लांट है जो इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है, ये ऐसा प्लांट है जिसमें कि क्लोरोफिल मौजूद है और ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो इसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है अपनी फूड के लिए। यानी कि इसका अपना एक प्लांट है, इसमें फूड भी मौजूद है, लीव्स भी मौजूद है, फ्लावर्स भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा प्लांट जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता, वो क्या होता है, इसके ऊपर ग्रो करने लगता है। इस तरीके से ये इसका स्टेम की जो स्टेम की ब्रांचेस हैं वो इसके दूसरे प्लांट पे ग्रो करने लगती है। यानी कि ये जो प्लांट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये कैसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा होता है।
इस प्लांट को क्या कहा गया, ये कौन सी एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दी गई है, कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा का प्लांट है जो क्या कर रहा है, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। ये कस्क्यूटा का प्लांट इस पे ओवरलैप कर लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये क्या करता है, इसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो इसकी रूट्स होती हैं, जिनको ये क्या करती है, जो हेल्दी प्लांट, जो पहले वाला प्लांट था ग्रीन प्लांट, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, यानी कि जो इसकी रूट्स होती हैं वो क्या होती है, इसके अंदर दाखिल हो जाती है। और इन रूट्स का एक खास नाम होता है जिसको क्या कहा जाता है, होस्टोरिया। होस्टोरिया क्या है, ये रूट्स है बेसिकली, कि इसकी पैरासिटिक प्लांट की रूट्स है, ये क्या करती है, यानी कि इसमें जो है अंदर की तरफ दाखिल हो जाती है। और आपको जैसे कि पहले पता था कि जो होते हैं जाइलम के सेल्स होते हैं फ्लोएम के, तो ये जाइलम के सेल्स होते हैं जो क्या करते थे कि फूड और मिनरल्स को जमीन से लेके ऊपर तक प्रोवाइड करते थे। तो ये क्या होती है, होस्टेरिया ऐसी रूट्स होती हैं जो इस प्लांट्स की, जो पहले से मौजूद है कोई प्लांट क्लोरोफिल वाला, उसके अंदर इसकी रूट्स दाखिल हो जाती है, वहां से वो जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि यह अपनी फूड को वहां से हासिल करती है, और इस तरह ये ग्रो करती रहती है किसी दूसरे प्लांट पे, यानी कि खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर रही बल्कि दूसरे प्लांट से ये अपनी जो फूड है वो हासिल कर रहे होते हैं। ये जो कस्क्यूटा के प्लांट होते हैं इनकी रूट्स जो होती हैं वो इस स्टेम के अंदर यानी कि जाइलम के सेल्स तक पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। ये इसीलिए इनको पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। और ये प्लांट क्योंकि दूसरा इससे अपना फायदा हासिल कर रहा है, लेकिन जो पहले से जो मौजूद प्लांट है उससे इसको कोई फायदा नहीं मिल रहा होता है। और जो प्लांट से हासिल करते हैं वो जिससे फूड हासिल कर रहे हैं, यानी कि जो प्लांट पहले से मौजूद था ये ग्रीन वाला प्लांट, ये प्लांट क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, होस्ट, यानी कि होस्ट प्लांट है जिससे कि अपनी फूड हासिल कर रहा होता है। ये होस्ट प्लांट है जो कि अपनी खुद फूड हासिल कर रहा होता है। जिस तरह होस्ट किसको कहते हैं, जैसे आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, होस्ट होंगे, और जो आने वाला है क्या है, वो गेस्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से होस्ट कौन सा है, यानी कि पहले से जो मौजूद है प्लांट, और इसके ऊपर जो है वो क्या है, होस्टोरिया। ये कस्क्यूटा का प्लांट जो है वो एक तरह से गेस्ट है जो कि इसमें मौजूद है इसके ऊपर, और वहां से अपनी फूड को ले रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स मौजूद है कस्क्यूटा के अलावा जो मौजूद है एग्जाम्पल्स, वो क्या है, ओरो बेंट, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मौजूद है विस्कम। ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या है, पैरासिटिक प्लांट हैं, यानी कि जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को ले रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक फूड पे जरूरी नहीं है कि एक ही प्लांट पे इसकी स्टेम मौजूद है, बल्कि दो तीन मुख्तलिफ जो है प्लांट्स भी हो सकते हैं जिन तक इनकी शूट्स फैली हुई होती हैं, और वे वहां से जो है अपनी फूड को ले रहे होते हैं। जैसे कि ये कस्क्यूटा का प्लांट भी है, ये भी क्या करता है, कस्क्यूटा प्लांट कैन अटैच टू द नंबर्स ऑफ होस्ट प्लांट। ठीक है, बहुत सारे इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि है क्लोवर है, पोटैटो है, ये मुख्तलिफ उस पर फैली हुई होती हैं इसके ब्रांचेस, और वहां से अपना फूड लेते हैं। इसी तरह ओरोबेंट जो प्लांट होता है, इसकी भी क्या हो रही होती है, इसकी भी जो रूट्स होती हैं ये मुख्तलिफ प्लांट्स तक फैली हुई होती हैं, जैसे कि इनके होस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि पी प्लांट है, बीन है, लेंटिल है, टोमेटो है, पोटैटो है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स तक इनकी जो ब्रांचेस फैली होती हैं वो इनके होस्ट प्लांट होते हैं, वहां से अपनी फूड लेते हैं। इसी तरह विस्कम जो प्लांट है, इसकी भी क्या होती है, ये भी जब ये ग्रो करते हैं तो इसकी भी जो शूट्स होती हैं ये मुख्तलिफ ब्रांच पे फैली हुई होती हैं, और वहां से जो है अपनी फूड ले रहा होता है, यानी कि प्लांट की कौन सी टाइप है जिसमें कि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। सेकेंड आ जाते हैं अब हम सेप्रोफाइटिक प्लांट।
डियर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि क्या करते हैं ये कौन से प्लांट्स अपनी फूड हासिल करते हैं जो कि डेड हो चुके होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे अपनी फूड हासिल करते हैं, या फिर जो गले सड़ी हुई चीजें होती हैं यानी कि प्लांट के हिस्से हैं वहां से ये अपनी फूड हासिल करते हैं, मींस यानी कि फूड अपनी ये नहीं बना रहे होते, इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन सी है, नंबर वन एग्जाम्पल है राइजोबस, ठीक है, इसमें आ जाते हैं जो एग्जाम्पल्स है ब्रेड मोल्ड, एनदर एग्जाम्पल इज म्यूकोर, इसको कॉमनली कॉल्ड द पिन मोल्ड, एनदर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट इज एगरिकस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मशरूम, ये तो सब जानते ही होंगे, पिक्चर्स भी इसकी देखी होगी, लेकिन ये तमाम ऐसे प्लांट हैं जो कि कहाँ ग्रो कर रहे होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर उन जगहों पे ग्रो कर रहे होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं और वहां से जो है अपनी फूड हासिल करते हैं, यानी कि इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, यानी कि इसके अगर एग्जाम्पल देखें कि ये क्या होते हैं कि इनमें कि एग्जाम्पल है, जैसे कौन सी एग्जाम्पल है इसकी, जैसे मशरूम है, क्योंकि ये जो मशरूम है ये क्या करते हैं कि ये किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो रहता है और वहां से जो है अपनी फूड हासिल करता है, और इसकी जो रूट्स होती है इसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम, ठीक है, ये माइसीलियम कहलाते हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को हासिल कर रही होती हैं। यानी कि किसी भी ज्यादातर अगर जो होती है किसी जो होती है वुड पे बारिश के बाद आप देखें तो वो वहां पे भी डैम प्लेस से भी जो होती है वहां पे भी है आपको ये मशरूम नजर आते हैं जो कि वहां से अपनी ये फूड को हासिल कर रहे होते हैं। यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल आपको मैं बता रही थी, सेप्रोफाइटिक प्लांट जिसको क्या भी कहा जाता है, ये इसकी मतलब जो एग्जाम्पल है इसको क्या कहा जाता है, एगरिकस या मशरूम। एगरिकस दरअसल इसका साइंटिफिक नेम है और मशरूम जो है कॉमनली कहते हैं हम इसको, जो कि अपनी फूड डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहा होता है। इसके बाद लुक एट द बुक पेज नंबर 6 एक्टिविटी नंबर 5, आप ये देखें एक्टिविटी नंबर 5 आपकी बुक में जो दी गई है, इसमें क्या बताया गया है कि आप क्या करें, कोई भी ब्रेड ले लें, ठीक है, ब्रेड के पीसेस आप ले लीजिए और उसको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी को डाल दीजिए, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स या आप जो है उसको गीला करना है, यानी कि आपने क्या करी, ब्रेड ले ली, ब्रेड का पीस ले लिया या तो, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रेड के पीस के ऊपर आपने क्या करा, वाटर को जो है डाल दिया, ठीक है, ये क्या था, ब्रेड, ठीक है, अब इसके ऊपर आपने क्या चीज डाली, वाटर, और फिर क्या किया, इसको 2-3 दिन के लिए रख दिया, अगर चाहे तो इसके ऊपर अगर इसको कवर करके रख दें, पॉलिथीन बैग में या किसी चीज से भी आप कवर कर दें तो ज्यादा जल्दी आपको ये नजर आ जाएगा, कि आपको नजर आएगा आफ्टर 3 और 4 डेज कि आपको कॉटन लाइक ब्लैक कलर नजर आएगा इसके ऊपर।
यानी कि यहाँ पे जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक या ब्लू कलर के या व्हाइट कलर के आपको जो है पैचेस नजर आने लगते हैं इसके ऊपर। ये दरअसल क्या होते हैं, ये दरअसल होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, जिनको हम ये इसको यहाँ पे क्या भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ये क्या कहलाते हैं, ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इस जो है रूटिंग ब्रेड से फूड हासिल कर रहे हैं, यानी कि ये जो ब्रेड है इस तरह की जो है इनके लिए फूड प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट है जो यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। ये वाली एक्टिविटी जो है ये भी आप आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी लास्ट में मैं आपको जब चैप्टर का एंड होगा तो उसमें मैं आपको ये लिखवाऊंगी भी। जी क्लास 7, अब होमवर्क की तरफ आ जाएं। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 डेट डाल के स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक प्लांट, ठीक है, हेडिंग डालिएगा इसी तरह। ये आपने लाइन्स लिखनी हो और नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपने लिख लेने। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, डिफाइन पैरासाइटिक प्लांट विद एग्जाम्पल। आपका क्वेश्चन ये है, डिफाइन पैरासाइटिक प्लांट विद एग्जाम्पल, ये आपने यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा विद 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ से कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, जो आप वीडियोस देखते हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर इसको लिख लिया करें। इसके बाद इसके सामने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ होनी है, ये आप देख लीजिए कि ये डायग्राम है कस्क्यूटर प्लांट की, ये आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है विथ कलरिंग। इसी क्वेश्चन के सामने आपने जैसे लीफ ऑफ द होस्ट प्लांट लेबलिंग भी कीजिएगा, फ्लावर ऑफ द पैरासाइट, फिर इसी तरह आप दूसरी साइड पे देखिएगा लिखा हुआ स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट, इसी तरह स्टेम ऑफ द पैरासाइट, ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है, डिफाइन सेप्रोफाइटिक प्लांट विद एग्जाम्पल, ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसके दोनों साइड पे स्पेस इसी तरह लीव कीजिएगा, डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है, इस तरह लिखिएगा, फिर एग्जाम्पल्स लिखिएगा, ठीक है, यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करना है, ये देख लीजिए आप, इसी तरह कलरफुल डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा मशरूम की। ये जो एगरिकस कम्पेस्टिस लिखा हुआ है, ये क्या, इसका साइंटिफिक नेम है। सेप्रोफेटिक प्लांट की भी आपकी हेडिंग होगी, इस तरह लिख लीजिएगा। अच्छा, आपके पास इंटरलीव पेज नहीं है, क्योंकि अभी आप पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि जहाँ क्वेश्चन एंड हो रहा है इसके नीचे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको कॉपीज या रजिस्टर या जर्नल प्रोवाइड हो जाएंगे फिर आप जो है उसमें आगे का काम कीजिएगा। ये वाला तो आप अपने पास जो पेजेस अभी फिलहाल हैं उसमें ही कर लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपने कौन कौन से करने, 7, 8 और 9 विद डायग्राम, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड ऑल्सो होमवर्क, रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।